आपकी लड़ाई लड़ते थे, लेकिन जब हम सरकार में आ गए हैं तो आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपके जो समस्या है उसका समाधान का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कल ही हम इस पर अपना जो बात आप लोगों से आया है, जो मांग पत्र आया है, उस पर बिना परीक्षा का राजकर्मी का दर्जा कैसे। तो इस वीडियो का पूरा अंश देखने के लिए चैनल पर बने रहें। उससे पहले बता दें कि अभी नियोजित शिक्षकों की सम्राट चौधरी के साथ वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। अभी मिलकर सभी नियोजित शिक्षक निकले हैं बाहर, और निकलते ही नियोजित शिक्षक बमबम है, बस दो दिन में बदल जाएगी शिक्षक नियमावली। तो आइए सुन लेते हैं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह क्या कह रहे हैं कुछ लाइव अपडेट में, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं सभी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की काफी प्रशंसा कर रहे हैं। तो उम्मीद लग रहा है कि कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है, नियोजित शिक्षकों के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो आइए सुन लेते हैं सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह का लाइव वीडियो। जितने भी शिक्षक संगठन थे सब पहुंचे थे, उन्होंने 11 सदस्यीय शिष्टमंडल को बुलाया था, तो सारे लोगों वहां गए। तमाम लोगों की राय से 8 सूत्री मांग पत्र जो आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर चल रहा होगा, वो मांग पत्र उनको विधिवत रूप से समर्पित किया गया। बिहार शिक्षक एकता मंच के राज्य के संयोजक श्री प्रदीप कुमार पप्पू जी के द्वारा उसके बाद जितनी भी बातें थी भी द्वारा रखा गया सबसे पहले, फिर जितने संगठन के लोग थे वो सब अपनी बात को वहां रखे। आपका भाई आनंद कौशल सिंह शुरुआती दौर में ही क्यों मांग रहे हैं हम बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, इस पर तर्क के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री को समझाने का प्रयास किया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि सरकार के तरफ से वार्ता में आज आमंत्रित करने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने समझने का कोशिश किया है कि जब सरकार शिक्षक की बहाली कर रही है, नियोजित शिक्षक की बहाली की है, तो फिर सरकार से नियोजित शिक्षक नाराज क्यों। नाराजगी का कारण आज उनको बताया गया रिटर्न में, और उपस्थित होकर के हम लोगों ने अपनी नाराजगी का कारण रखा। सबसे पहला मांग जो था वह था बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, उसको हम लोगों ने उनके समक्ष डिफाइन किया। आग्रह है कि जो आप लोगों ने ऐतिहासिक संघर्ष इस विपरीत परिस्थिति में 13 फरवरी को पटना पहुंचकर किया है, वह सफलता की ओर बढ़ने लगा। आप लोग के अंदर में है वह साहस और क्षमता था जिसके बाद सरकार आप लोगों के मांग पर विचार करने पर आज विवश हो गई। आज जो वार्ता हुई है उसमें हम लोगों ने अध्यक्ष, खास करके सभी संगठन के लोग अध्यक्ष ने रखा है, आनंद कौशल ने रखा है सबसे पहले कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसलिए दिया जाए, परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है या स्पष्ट रूप से समझा दी गई है। सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने यह बात आज तक समझाई नहीं था कि परीक्षा के बिना राजकर्मी का दर्जा हमारा मांग है। आज वह समझे हैं कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा इन लोग जो मांग रहा है उसके पीछे है कि ये परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं। हम लोगों ने उनसे स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हम लोग बहाली के बाद SCERT के द्वारा जो शिक्षकों के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान है उसके द्वारा हम लोग का दक्षता परीक्षा लिया गया और उसको जो पास किए हैं वह आज नौकरी में। 2012 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा TET की परीक्षा ली गई और उसको पास करके सब नौकरी में आए। तो जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और SCERT के द्वारा हम परीक्षा दे करके उसको पास करके सात साल आए हैं, फिर हमारी परीक्षा लेना, यह इसका कोई औचित्य नहीं। तमाम तर्क उनको दिया गया कि हम क्यों परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, कोई परीक्षा से हमें डर नहीं है, लेकिन 60 साल की नौकरी में 60 बार कोई परीक्षा नहीं देगा, एक बार परीक्षा दिया है और तर्क के साथ आपके पास BSc भी परीक्षा ली है, फिर BSc भी ही परीक्षा लेगी, ये कैसा सरकार का नियम है।
इसका कोई भी संवैधानिक रूप से कहीं इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि बार बार परीक्षा एक नौकरी के लिए लिया जाए, और उन्होंने इस बात को समझा। स्थानांतरण जो हमारा दूसरा बड़ा मांग था कि हमारे लाखों शिक्षिका बहन मायके में रहकर अपना जिंदगी को तबाही के कगार पर पहुंच गया उनका जी, ससुराल पक्ष के लोग नाराज हैं, मायके में उनको कठिनाई झेलना पड़ रहा है, जिंदगी उनका जहन्नुम हो गया, हमारे जो दिव्यांग शिक्षक हैं वो परेशान हैं, हमारे तमाम जो शिक्षक हैं वो परेशान हैं। 2020 की नियमावली में बहुत बड़ा संघर्ष करके हम लोग ने एचसी का स्थानांतरण का प्रावधान किया, उसको लागू करने के बजाय एक नई नियमावली ला करके खत्म कर दिया जाता है। इस बात को उनको भली भांति हम लोग परिभाषित करते हुए समझाया। आप लोगों के स्थानांतरण के मुद्दे पर, बिना राजकर्मी, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा का मुद्दा पर प्रमुखता के साथ तर्क के आधार पर, एविडेंस के आधार पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने लिखित रूप से, मौखिक रूप से तर्क को रखा गया। उसके बाद तमाम तरह की जो बिहार में कार्रवाइयां हो रही हैं, चाहे 13 तारीख के संध्या में जो FIR दर्ज हुआ, शिक्षा विभाग जिला प्रशासन के द्वारा बार बार जो शिक्षकों को निलंबित किया जा रहा है बिना किसी दोष का, वेतन स्थगित किया जा रहा है, वेतन कटौती किया जा रहा है, तमाम तरह का जो दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, उस पर एक सुर में हम लोगों का मांग किया गया हम लोग के द्वारा कि जो भी ऐसे पदाधिकारी हैं, खास करके AK पाठक जी, उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए और उनका उनके ऊपर नियंत्रण सरकार करे और तमाम ऐसे आदेश को रद्द। स्कूल का समय जो पहले था वही निर्धारित किया जाए, उसका भी तर्क दिया गया, अवकाश तालिका पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और उसको तर्क के साथ उनके पास रखा गया। वार्ता के बाद तमाम बिंदु को, चाहे प्रोन्नति हो या जो कुछ भी आपकी मांग थी, सबको रखा गया। मुख्य रूप से परीक्षा हम नहीं देंगे, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, इस पर जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सभी के बातों को सुनने के बाद अपना वक्तव्य दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार 2005 से लेकर शिक्षकों की, नियोजित शिक्षकों की बहाली कर रही है, उनको सब चीज देने का काम कर रही है, फिर भी हमारे विभाग के द्वारा क्या ऐसा मिस्टेक हो जा रहा है कि शिक्षक सरकार से नाराज रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब हम दे रहे हैं आपको और फिर भी आप हमसे नाराज हैं, तो इस नाराजगी को अब हम दूर करेंगे। हम जब विपक्ष में थे तो आपकी लड़ाई लड़ते थे, लेकिन जब हम सरकार में आ गए हैं तो आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपके जो समस्या है उसका समाधान का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वार्ता के बाद कि ये हमको दिल्ली जाना है, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए कल ही हम इस पर अपना जो बात आप लोगों से आया है, जो मांग पत्र आया है, उस पर बिना परीक्षा का राजकर्मी का दर्जा कैसे दिया जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान कैसे किया जाए, इस पर कल ही हम विचार करेंगे, कल ही हम संबंधित तमाम लोगों से बात करेंगे और रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। मतलब 24 घंटा, मतलब कल फिर इसी टाइम तक उनके कथनानुसार आपकी जितनी भी मांगे थी, खास करके बिना परीक्षा, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, उस पर उन्होंने निष्कर्ष पर पहुंचने का आश्वासन आज स्पष्ट रूप से दिया है अपने वक्तव्य में, सभी के बातों को सुनने के। साथियों, आज मेरे भाई बहन, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन, हम शुरू से कह रहे कि परीक्षा देने से कोई नियोजित शिक्षक घबरा नहीं रहा, लेकिन हम 60 साल की एक नौकरी में कितनी बार परीक्षा देंगे, जब हमारा परीक्षा SCERT ले लिया है, जब हमारा परीक्षा BSEB ने ले लिया है, तो फिर हमारे ऊपर परीक्षा लाद करके हमको नौकरी से निकालने का जो प्रावधान किया जा रहा है, ये आप लोगों ने 13 फरवरी को बिहार विधानसभा के समक्ष पहुंचकर जो चट्टानी एकता का परिचय दिया है, उसका नतीजा है, उसका फलाफल है कि आज सरकार आपसे बात कर रही है और बात करके, आपकी बात को समझ करके यह कह रही है कि आज हम समझे हैं कि आप परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आज के पहले उन्होंने बताया कि आज के पहले हम सोच रहे थे कि ऑफलाइन कर देंगे तो आपकी मांग पूरी हो जाएगी, डेट खत्म हो रहा है इसको बढ़ा देंगे फॉर्म भरने का तो आप लोग संतुष्ट हो जाइएगा, लेकिन आज इस बैठक में हमको पता चला है
कि आप परीक्षा दे चुके हैं पहले से, इसलिए परीक्षा का आपके लिए औचित्य नहीं बनता है। यह बात आज हम यहाँ पे आने बैठक में समझे कि सबसे बड़ी बात रही कि हम लोग जो बार बार कह रहे थे कि हम नियोजित शिक्षक कोई परीक्षा से डरते नहीं, लेकिन 60 साल की जब नौकरी हो चुकी है पिछली नियमावली में और उसके लिए जब हम परीक्षा दे चुके हैं तो हम परीक्षा क्यों देंगे। दूसरी बात, हमने जब अपने वक्तव्य में यह बात उनसे कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जो नियमावली आई है उसमें हमारे वेतन में 1 रुपया का बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, तो ये गैर कानूनी तरीके से परीक्षा का क्या आवश्यकता है और किस लिए परीक्षा? 1 रुपया का हमारा वेतन बढ़ नहीं रहा है। हमारा जो पहले ईपीएफ मिलता था वह ईपीएफ का प्रावधान को खत्म करके सिर्फ एनपीएस किया गया है, तो आप ये समझिए ना कि हमारा जो वेतन है उसमें तो 1 रुपया की बढ़ोतरी नहीं हुई। तो इस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया, तब उन्होंने कहा कि यहाँ कहीं कहीं कुछ कमी रह जा रही है निर्णय में, जिसके चलते नियोजित शिक्षक सरकार से नाराज चलते हैं। इस नाराजगी को आप खत्म करेंगे, यह इच्छा शक्ति उन्होंने प्रकट की। तो अभी आप देख रहे थे लाइव अपडेट में प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह को, उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा कि वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सारी बातों को एकदम सरलतापूर्वक सुना और सारी बातों पर विचार विमर्श करके 24 घंटे के अंदर ही निर्णय आ जाएगा। तो कुछ लग रहा है नियोजित शिक्षकों के साथ अच्छा होने वाला है। आपको बता दें कि इससे पूर्व इस तरह का वार्ता नहीं हुआ था, लेकिन आपको याद दिला दें कि इससे पूर्व में आपको प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव बने थे शिक्षा मंत्री बिहार के, उस समय भी सभी शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मिले हुए थे, लेकिन इस तरह की वार्ता नहीं हुई थी। लेकिन इस वार्ता के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं शिक्षक संघ के प्रतिनिधि। हो सकता है शिक्षकों के साथ कुछ अच्छा, अगर नहीं हुआ कुछ अच्छा तो एक बार फिर से होगा बड़ा आंदोलन, क्योंकि इसी समय आपको बता दें कि चल रहा है चुनावी वर्ष, और चुनावी वर्ष में नियोजित शिक्षकों के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, क्योंकि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन देना पड़ जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि ऐच्छिक स्थानांतरण और ऑफलाइन एग्जाम सारे बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है और सफलतापूर्वक हुई है, इसमें निश्चित रूप से संशोधन किया जाएगा। आपको बता दें कि समय सारणी में भी परिवर्तन होगा, तो एक बार मजबूती के साथ अपने संघ का सहयोग करना है, साथ देना है, ताकि शिक्षक संघ आपके लिए मजबूती के साथ प्रदेश में अड़ा रहे अपने शिक्षकों के हक और अधिकार के लिए। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक और करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह का शिक्षा विभाग से लेटेस्ट